Are you ready? टेस्ट क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का आज 80वां जन्म दिवस है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जाने माने वाले दिलीप सरदेसाई गोवा से ताल्लुक रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाले इकलौते स्टार खिलाड़ी हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। दिलीप सरदेसाई का जन्म साल 1940 में गोवा के मारगांव में उस वक्त हुआ जब यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। इसके बाद उनका परिवार बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। उनके बेटे राजदीप सरदेसाई, जो जाने माने जर्नलिस्ट है, कहते हैं कि उनके पिता ने 17 साल की उम्र तक कभी मैदान पर अपनी पारी नहीं खेली थी, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ही उन्होंने क्रिकेट के गलियार में अपनी खास पहचान बना ली थी। वे गोवा से टीम इंडिया में सेलेक्ट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन की वजह से सरदेसाई अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच नवंबर 1960 में पाकिस्तान के खिलाफ पूना में खेले थे। अपने पहले ही मैच में 87 रनों की शानदार पारी खेलने वाले सरदेसाई ने बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक भी जड़ा था। वैसे तो सरदेसाई को स्पिन के खिलाफ एक बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन साल 1962 में उन्होंने तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। पूर्व एक्स क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर मकरंद वेंगेकर ने एक बार अपनी किताब गेट्स एंड ग्लोरी में दिलीप सरदेसाई और उनकी पत्नी नंदिनी पंत को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि जब दोनों पहली बार मिले थे, उसके तुरंत बाद सरदेसाई को वेस्टइंडीज टूर के लिए रवाना भी होना पड़ा था। इस दौरान एक दूसरे को दोनों काफी चिट्ठियां लिखते थे। दौरा खत्म होने तक सरदेसाई अपने होने वाली पत्नी को करीब 90 खत लिख चुके थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दिलीप सरदेसाई की उस डबल सेंचुरी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिसने विदेश में देश का सम्मान बचाया था। दोनों टीमों के बीच साल 1965 में एक अहम टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया था। सरदेसाई ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1961 में खेला था। साल 1971 में दिलीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी ही जमीन पर डबल सेंचुरी लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। साल 1972 में दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ ही सरदेसाई ने अपना आखिरी मैच खेला था। करियर के अंतिम टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने पहली पारी में 12 और दूसरी पारी में 10 रन बनाए थे। सरदेसाई का निधन 2 जुलाई 2007 को 66 वर्ष की उम्र में हो गया था। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें क्रिक आउट को।